शहर के विभिन्न गली, सड़क, मार्गों एवं बाजारों में नगर पालिका की फॉगिंग की मशीन के द्वारा मच्छर भगाने के लिए रासायनिक, केमिकल, सैनिटाइजर व धुएं से फॉगिंग की जाती है। लेकिन विगत वर्ष लॉकडाउन के बाद से ही फॉगिंग मशीन का उपयोग बंद है, जिससे कि आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में नागरिक मच्छरों से परेशान हो रहे हैं। क्षेत्र वासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 20 से दाना गली, नायका ओली, बोहरा बाजार, पुस्तक बाजार, टेगोर मार्ग, नया बाजार, बारादरी, मूलचंद मार्ग आदि क्षेत्रों में नालियों में गंदगी फैलने के कारण मच्छरों की तादाद तेजी से फैल रही है, जिससे कि गंभीर बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। क्षेत्र वासियों ने जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल को पत्र लिखकर मांग की है कि बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग मशीन द्वारा मच्छरों को नष्ट करना जनहित में आवश्यक है। इसलिए नगरपालिका के संबंधित अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित कर फॉगिंग मशीन का जनहित में उपयोग करते हुए रहवासी क्षेत्रों में रासायनिक केमिकल का, सैनिटाइजर का व धुएं से छिड़काव करवाया जाए, ताकि मच्छरों की समस्या से निजात मिल सके और गंभीर बीमारियों को फैलने से भी रोका जा सके। फॉगिंग मशीन हमारी दो चल रही है, दो वार्डों में प्रतिदिन फॉगिंग का काम होता है और दो अलग अलग वार्डों में, जैसे एक वार्ड में एक दिन में 21 नंबर हो तो दूसरे एक नंबर वार्ड में होगा, दूसरे दिन 21 नंबर वार्ड में होगा। ऐसे दो वार्डों में 120 वार्ड में एक मशीन लगा रखी है और 21 से 40 में एक मशीन लगा रखी है। कहीं कहीं फॉगिंग मशीन कम नहीं है, अगर वार्डों की संख्या देखा जाएगा? नहीं, पर्याप्त दो मशीनों से हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या 40 दिन का टर्निंग रहता है, 40 दिन में वापस रिपीट करने का प्रावधान है। इसी में 20 वार्ड का रहें तो 20वें दिन वापस उसका रिपीट हो जाता है।